उत्तर प्रदेश सरकार ने उन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आय के स्रोत का पता लगाना शुरू कर दिया है, जिनका स्रोत पिछले सर्वे में स्पष्ट नहीं हुआ था। इनमें ज्यादातर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भारत नेपाल के सीमावर्ती जिलों में हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह ने यूपी के सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र भी लिखा है। मदरसों को 3 श्रेणियों में बांटकर उनकी जांच का आदेश भी दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी मदरसों का सर्वे किया गया था। योगी सरकार की नजरें नेपाल सीमा पर कुकुरमुतों की तरह उग आए मदरसों की तरफ घूमी है। यूपी सरकार ने नेपाल सीमा पर बने निजी मदरसों की आय के स्रोत की जांच कराने का फैसला किया है। इस बारे में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की तरफ से भी आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि यूपी की नेपाल से सटी सीमा के आसपास के जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की भरमार है। इनके इनकम के स्रोत की अब जांच कराकर रिपोर्ट मांगी गई है। योगी सरकार ने जारी किया था सर्वे का आदेश इसके पहले 30 अगस्त को यूपी में योगी सरकार ने जिलाधिकारियों को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। प्रदेश में सर्वेक्षण 10 सितंबर को शुरू हुआ था। इस सर्वे की रिपोर्ट जिलाधिकारियों ने 15 नवंबर को सरकार को सौंप दी थी। 2 महीनों के सर्वेक्षण के दौरान राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 8,439 मदरसे काम नहीं कर रहे थे और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की अधिकतम संख्या 550 मुरादाबाद जिले में ही पाई गई थी। यूपी में कुल मदरसों की संख्या 25,000 है। उनमें से 16,513 से अधिक को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन मान्यता प्राप्त मदरसों में 19 लाख से अधिक छात्र नामांकित है। सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को 3 श्रेणियों में बांटा है। वहीं जब सवाल किया गया कि क्या राज्य सरकार इस सर्वे के बाद नए मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू करेगी, तो राज्य मंत्री ने कहा कि अभी सरकार का मकसद सिर्फ गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में सूचना इकट्ठा करना है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुल 16,461 मदरसे हैं, जिनमें से 560 को सरकारी अनुदान दिया जाता है। प्रदेश में पिछले 6 साल से नए मदरसों को अनुदान सूची में नहीं लिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री ने बताया कि आज जारी आदेश के मुताबिक अब मदरसों में प्रबंध समिति के विवादित होने या समिति के किसी सदस्य के अनुपस्थित होने की दशा में मदरसे के प्रधानाचार्य और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मृतक आश्रित कोटे से नियुक्तियां कर सकेंगे। इससे पहले प्रबंध समिति में कोई समस्या होने पर मृतक आश्रित को नौकरी के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ब्यूरो रिपोर्ट, यूवी इंडिया न्यूज़।